आपकी आवाज। मैं हूं सिद्रा और आप देख रहे हैं इंडिया आज तक लाइव टीवी न्यूज। तो चलें चलते हैं ताजा खबरों की ओर। सपा नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मनोज पांडे की पत्रकार वार्ता में उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मनोज पांडे जी आज दिनांक 25 सितंबर 2020 दिन शुक्रवार को अपराह 12 बजे समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय किसान बाजार में सभी पत्रकारों को अपने कामों के बारे में बताया और विचार विमर्श करते हुए किसान और मजदूरों के हित को गहरा आघात लगा। किसानों की खेती बर्बाद हो गई, मजदूर बंधुआ मजदूर बनकर रह गए और इस सरकार के काम को विफल बताते हुए सन 2022 के चुनाव में अखिलेश की सरकार को बनाने के लिए अपने काम गिनाए। इस अवसर पर श्याम सुंदर पूर्व MLC तिलक चंद्र आहिरवार और पूर्व MLC राहुल सक्सेना, पूर्व प्रत्याशी महापौर झांसी छत्रपाल सिंह, पूर्व अध्यक्ष सपा के सिंह यादव, जिला महासचिव झांसी जुगल किशोर आहिरवार पार्षद, योगेंद्र प्रताप सिंह जिला महासचिव लोहिया वाहिनी, राधेलाल बोध अन्य समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। झांसी से कैमरामैन प्रदीप के साथ प्रतीक की रिपोर्ट। कार्यों ने वित्तीय अनियमितता किया है, 2000 की चीज को 7000 रुपए में खरीदा है और ये बात भारतीय जनता पार्टी ने कई विधायकों ने उठाया, बकायदा जी करके उठाया है। निश्चित रूप से जब आज देश के ऊपर वैसी महामारी हो और उसमें भ्रष्टाचार का सवाल उठे तो विपक्ष जो बातें कह रहा है और जब समाजवादी पार्टी लगातार इस बात को कह रही थी तो ये बात आज सिद्ध हो गई कि 57 के विधायकों ने भी इस बात पर पुष्टि की। कहीं ना कहीं 19 की किट को खरीदे जाने पर जो किसानों के ऊपर दबाव बनाकर खिदवाया गया उसमें भ्रष्टाचार हुआ, ये बात को आज स्थापित किया भारतीय जनता पार्टी के ही विधायकों ने जो विपक्ष कह रहा था और विपक्ष लगातार